Hi everyone, first of all good evening to all of you, so welcome back to my YouTube channel। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। JKSSB की जितनी भी अपडेट्स होती हैं उसके साथ साथ स्टैटिक जीके और JKSSB के रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज निकाली जाती है उसके रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो आज की अगर अपडेट की बात करें तो JKSSB की तरफ से नोटिफिकेशन जो निकाला गया, जहाँ पे बताना चाहूँगा ये नोटिफिकेशन निकाला गया इसी मंथ को, और इस मंथ का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था इसमें JKSSB की तरफ से एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो 6/2022 की ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी। इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो वैकेंसीज निकाली गई, ये पोस्ट जो निकाली गई थी ये थी आपकी 1045 वैकेंसीज। 1045 वैकेंसीज की बात करें तो जहाँ पर आप देख सकते हैं ये JKSSB की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, अगर आप अभी तक आपने इस अगर आपने आपके पास जो क्वालिफिकेशन है आपने इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट जहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे बताना चाहूँगा ये आप देख सकते हैं जहाँ पे ये जो पोस्ट निकाली गई थी JKSSB की तरफ से, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज निकाली गई थी 855, और उसके बाद कुछ पोस्ट निकाली गई थी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, जे इसमें जी पोस्टें जो निकाली गई थी ये 190 वैकेंसीज थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसी मंथ को जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है JKSSB की तरफ से 1045 वैकेंसी जो है निकाली गई। अब इसी के रिलेटेड जो अपडेट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो जहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इसमें क्या आपके इसके रिलेटेड क्या अपडेट आई है, हम आ गए हैं JKSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जहाँ पे आप इस वेबसाइट को जहाँ से आप कर सकते हैं jksb.nsc.in, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं JKSSB की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाली गई 6/2022 की, तो जहाँ पे जैसे ही आप जहाँ पे क्लिक करोगे जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर एडवर्टाइजमेंट 5/2022। तो जैसे आप जहाँ से क्लिक करोगे, जहाँ से क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इस इंटरफेस के रिलेटेड जहाँ पे आप देख सकते हैं 6/2022 का जो है लिंक JKSSB की तरफ से एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इस लिंक के हेल्प से आप अगर इस पोस्ट के लिए आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सिंपली जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे 5/2022 के नोटिफिकेशन को क्लिक करोगे, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, और जैसे आप देखोगे 6/2022 डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से आप इसकी एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और सीधा आप जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे आप जहाँ पर अप्लाई करोगे तो जहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा, और ईमेल पासवर्ड जहाँ पे डाल के आई एम नॉट ए रिबूट इस तरीके से आप कर सकते हैं, जहाँ पे क्लिक कर सकते हैं लॉगिन कर सकते हैं उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देख सकते हैं आप बाहर जो है मेन वेबसाइट पे आपको ये लिंक नहीं एक्टिवेट देखने को मिलेगा, आप सीधा नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 को वहाँ पे क्लिक करोगे और सीधा आप इस लिंक में पहुँचाओगे और ऑनलाइन आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि आज 21 नवंबर है और इसी से आज की आपकी डेट जो स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म फिलअप करने की, जहाँ से सिंपली आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया तो आप इस फॉर्म को आज इसका जो है लिंक एक्टिवेट हो गया है, बाद में आप इसका वेट मत कीजिएगा लास्ट डेट कब होगी, लास्ट डेट को छोड़िए आप पहले इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वेबसाइट जो है बिजी हो जाती है। तो उन सभी कैंडिडेट्स को बोलूँगा जो 1045 वैकेंसीज हैं जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल की, आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, लिंक जो है JKSSB की तरफ से एक्टिवेट कर दिया गया है। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, JKSSB की इंपॉर्टेंट एक अपडेट थी जो मैंने आपसे शेयर की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।